कोई भी एमसीक्यू बुक उठाकर देखोगे तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि बायोमेंटर्स का कोई भी लेक्चर अटेंड करने के बाद आप जब कोई अपनी कोई भी एमसीक्यू बुक देख पढ़ते हैं, आप यदि अपने चैप्टर पूरा किया है तो 90% से अधिक क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है देन आइदर आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक और यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, ठीक है ना। एंड आई एम इंश्योरिंग दैट कि आई शुड नॉट बी ऑन रॉन्ग ट्रैक, मैं रॉन्ग ट्रैक पे ना रहा हूं, इसका मैं जो है वो मेहनत करता हूं उसके लिए बकायदा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान से पढ़ना है एंड योर एम शुड बी कि आप मोर देन 90% एमसीक्यू किसी भी बुक के, जिस जो बुक तुम्हें पसंद लगे के, मतलब मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे बुक है, मतलब आपको बता दूं मैं कि बायोलॉजी की बुक यदि आप पूछेंगे तो मेरे पास आई हैव विलीस का बुक मेरे पास, के फिर इसके अलावा सिंगेस का बुक मेरे पास, मतलब आप बता दूं मैं कि कितने सारे पब्लिकेशन है कि जिनके मैं मतलब आपको नाम बताऊंगा तो 10 मिनट लग जाएगा करके। आई हैव अराउंड कि मुझे मेरे पास में ऐसा कोई बुक नहीं है जो मार्केट में अवेलेबल हो और मेरे पास ना हो बायोलॉजी का। कम से कम मेरे पास में 29 पब्लिकेशन की बुक है, 29 या 30, ठीक है, पब्लिकेशन की बुक है। कई तो बड़े बकवास किताब है उसमें से जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा आपको, ठीक है, लेकिन वी हैव, हम लोग बकायदा ना हमारे पास में जो भाई हमको भी तो क्वेश्चन चाहिए होते ना, तो हम लोग भी बहुत सारे एमसीक्यू बुक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि 90% तक क्वेश्चन सारे एमसीक्यू बुक में एक समान है, इसलिए इस फेयर में मत पड़ा करो कि कौन सा बुक ले लें कौन सा ना ले, हम कोई भी बुक तुम्हारे पास से काम करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने कहा ना कभी कभी अपुन को लगता है कि पुलिस भगवान है, कौन सी किताब बोलती है डायलॉग, कौन सी बुक ये डायलॉग बोलती है, कभी कभी अपन को लगता है कि पुलिस भगवान है, कौन सी बुक बोलती है डायलॉग, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोलती है कि भैया भगवान के मंदिर के बाहर एक छोटा सा कोई ना कोई देवी देवता बैठा होता है जिसकी पूजा भी साथ में करनी होती है, शिव जी के बाहर नंदी बैठे होते हैं, तो एनसीईआरटी बोलती है हमारे बाहर के नंदी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये दोनों को पढ़ लो भाई, है ना, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और फिर कोई भी एमसीक्यू बुक है उसके क्वेश्चन लगा लो। आप नहीं भी लगा पा रहे हैं तो बायोमेंटर्स का डीपीएस केवल लगा ले, काम बन जाएगा आपका, क्योंकि हम तो वही वही वहीं से दे रहे ना क्वेश्चन के, कौन सा बैठ के सोच के क्वेश्चन निकालते रहते हैं, ठीक है। इसलिए तो जो आप पढ़ रहे हैं यहां पे, तो आपको कई बार लगेगा कि सर इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, अरे भाई मैं कह रहा हूं आपसे कि ये एनसीईआरटी में भले ही ना हो लेकिन ये एग्जाम के लिए कोर कंटेंट है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, यदि आ गया तो फिर प्रॉब्लम है, फिर हमको साल भर रिपीट करना। इसलिए मैंने कहा 100% एनसीईआरटी प्लस 15-20% क्वेश्चन सिलेबस लेके चलना पड़ता है, ठीक है। इसलिए नोट कीजिए, ये क्यों बता रहा हूं, जो तुम पेन रख के बैठे ना मुंह में फंसा के पेन नहीं नोट कर रहे हो तो उसके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। तो